दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? मेरा नाम है छोटू अलबेला। जब मैं छोटा बच्चा था, मैं बड़ी शरारत करता था। अब मैं बड़ा हो गया तो मैं छोटी शरारत नहीं करता। तो मेरी मम्मी मेरे को बोलते हैं, बेटा जो करने का बिंदास कर, मैं हूँ ना खड़ी भी, तो मैं किसके बाप से भी नहीं डरता। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के बारे में। कहते हैं कि बच्चे बड़े शरारती होते हैं, मानते हो ना, बच्चे शरारत करते रहते हैं। और मेरा ये मानना है कि जो बच्चा शरारत ना करे वो शरारती ना हो, क्योंकि यार हम सब जानते हैं जो चीज़ ही शरारत से दुनिया में आई है तो शरारती क्यों ना हो। तो ऐसी जो है, ऐसी एक हमारे सोसाइटी में एक लड़का रहता है जिसका नाम है छोटू अलबेला। ये इतनी टेढ़ी हीर है, इससे तुम कितना भी सीधा सवाल करो ये इसका जवाब देगा, एकदम अकड़ के और टेढ़ा जवाब देगा। एक दिन मैंने उसको पूछा, बेटा छोटू कौन से स्कूल में जाते हो? तो उसने जवाब कैसे दिया, मैं जाता नहीं, साले मुझे भेजते हैं। जब भी उससे कोई भी सीधा सवाल करो वो जवाब देता है टेढ़ा। हमारे सोसाइटी में ना एक अन्ना है, दुकानदार है, शॉपकीपर। एक दिन छोटू अलबेला वहाँ चला गया। अभी छोटू अलबेला से ना एक्चुअली लोग डरते भी बहुत है। तो वहाँ पर जब गया तो उसको देखते से अन्ना बोलता, ए छोटू तेरे को क्या चाहिए? तो छोटू, अन्ना तेरे पास में बोरा होने की क्रीम है क्या? है ना, बोलना, दू क्या? साले है तो लगाता क्यों नहीं, तुझे देख के रोज मैं डर जाता हूँ। जिसको भी देखो बस ऐसी सवाल के जवाब देता है छोटू, टेढ़ी खीर जिसको हम बोलते हैं। एक दिन क्या हुआ, टीचर ने छोटू को क्लास में पूछ लिया कि बेटा छोटू बताओ, अगर से कोई मोटी लड़की कहीं जाकर वापस आ रही है तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे पूरा करोगे? तो छोटू ने बड़े अच्छे अंदाज में जवाब दिया, टीचर उसको कहेंगे गोलमाल रिटर्न। लेकिन क्या हुआ कि छोटू को उसके पापा ने बैठाया सामने, बच्चा पढ़ाई करता है, देखते टेस्ट लेते आज, तो छोटू को सामने बिठाया और बोला कि बेटा छोटू जरा बताओ तो पाँच के बाद क्या आता है? छोटू ने जवाब दिया, पापा पाँच के बाद में ना 6 और 7 आते हैं। पापा, वेरी गुड बेटा। अच्छा बेटा, और एक बात बता कि 6 और 7 के बाद क्या आता है? फिर छोटू ने जवाब दिया, पापा 6 और 7 के बाद में 8, 9 और 10 आते हैं। क्या बबात है मेरे बच्चे, पापा ने 50 रुपये दिए, बेटा ये ले इसकी चॉकलेट खा लेना। फिर पापा को लगा कि बच्चा बहुत स्मार्ट, आगे और टेस्ट लेता हूँ। फिर पापा ने पूछा, अच्छा बेटा छोटू बता कि 10 के बाद में क्या आता है? तो छोटू, पापा 10 के बाद में आता है गुलाम बेगम बादशाह। पापा उधर ही बेहोश। अब एक दिन क्या हुआ कि छोटू ने उसके मम्मी से पैसे मांगे। बच्चे मांगते हैं ना पैसे, नॉर्मल तौर पे सारे बच्चे पैसे मांगते हैं। छोटू ने पैसे मांगे तो मम्मी ने नहीं दिए, इनकार कर दिया। तो फिर एक दिन मम्मी को कोई बाहर जाना था, अभी मम्मी जो है मेकअप कर रही थी तो छोटू से कह दिया गलती से कि बेटा छोटू ज़रा मेरी माँ से लिपस्टिक तो देना। तो छोटू को तो पहले से गुस्सा था कि मम्मी ने पैसे नहीं दिए, अभी छोटू ने दे दी मम्मी को लिपस्टिक के जगह फेविस्टिक। अभी मम्मी का हो गया मुंह बंद। शाम में जब पापा घर पे आए, अरे भाई क्या बात है आज घर में इतना सन्नाटा क्यों है? तो छोटू डर के मारे बाहर ही था, पापा के साथ में अंदर आया जैसे पापा इंटरव्यू, अरे बेटा छोटू मम्मी का है, आवाज़ नहीं आ रही घर में, इतनी शांति क्यों है, क्या बात है? छोटू, पापा कल शाम को ना मैंने मम्मी को पैसे मांगे थे तो मम्मी ने नहीं दिए, फिर मेरे को गुस्सा आया, फिर मम्मी जब मेकअप कर रही थी ना तो मम्मी ने मुझे लिपस्टिक मांगी तो मैंने मम्मी को फेविस्टिक दे दी, तब से मम्मी का मुंह बंद है। अब पापा खुश, ओ मेरा लाल, मेरे जिगर के छल्ले, मेरे जिगर के टुकड़े, तूने वो काम कर दिखाया जो 25 साल में मैं नहीं कर गया, तू 5 साल में कर गया। अभी छोटू, पापा ज्यादा मत इतराओ तुम, मैं तो मेरे पास एक और फेवी को ला के तुम्हारे मुंह पे भी चिपका दूंगा, फिर बाद में बोलना नहीं कि छोटू ने मुझे चिपका दिया। अब एक बार क्या हुआ ना, छोटू बाहर खेल रहा था तो पापा ने देखा और छोटू से पूछा, क्या बात है बेटा छोटू तुम आज स्कूल ले गए हो? तो छोटू ने जवाब दिया, पापा मेरी टीचर ना गुजर गई है। पापा, ओके ठीक है बेटा। फिर जब देखा पापा ने तो वही टीचर सामने से चलते हुए आ रही है। पापा चिढ़ गए, छोटू से कहने लगे, क्या बात है छोटू तूने मुझसे झूठ कहा, तूने कहा टीचर गुजर गई, टीचर तो सामने से आ रही है। फिर छोटू को हम जानते हैं बड़ा हाजिर जवाब है। फिर छोटू ने कहा, पापा
अभी आप निकल लो। तो पापा ने कहा मैं क्यों निकलूं? क्योंकि मैंने टीचर से कहा है कि मेरे पापा गुजर गए।